अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है बॉयज़? ठीक है आप लोग? अच्छा जी, क्लास ही देखेंगे। कल मैंने आपको जो काम करवाया था वो आपने याद कर लिया था, लिख लिया था बेटा जी? अच्छा, क्लास में आपकी उर्दू की टीचर हूँ। सिक्स क्लास ही देखेंगे। उर्दू क्लास इशम, वक्त की कदर करो, ये आपका प्रोवर्ब है। और बेटा जी, वक्त की कदर जो नहीं करता, वक्त भी उसकी कदर नहीं करता। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि वक्त एक कीमती चीज़ है, अगर वक्त गुजर जाए तो वापस नहीं आता। कोई भी चीज़ हमारी गुम हो जाए वो मिल सकती है, लेकिन वक्त हमारा नहीं मिल सकता, ये बात याद रखेंगे। अच्छा जी, जुमेरात है 23 जुलाई, दोहराइए बेटा जी। इसमें भी आपकी मिस्टेक थी क्लास, यहाँ पर आपका खुलासा है ज़रात व सनत, ये आप ठीक कर लेंगे। और घर के काम में आपका नज़म मेहनत, ठीक है, वहाँ पर करेक्शन है ये। अच्छा, ये देखेंगे सबक है, सबक का खुलासा है हमारा ज़रात व सनत का। क्लास, ज़रात व सनत को हमने रीड आउट कर लिया था, उसकी एक्सरसाइज भी कर ली थी, आज तुम उसका खुलासा देखेंगे। तो खुलासे के टाइम पर आप ये देखें कि जो लेसन होता है, लेसन को ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, उसकी मेन चीज़ें निकल जाती हैं, उसी का खुलासा कहते हैं। अब हम खुलासा देख लेंगे। हमारे पास है खुलासा, किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली का इन्हसार इसकी ज़रात व सनत पर है। ज़रात व सनत ज़िंदगी के दो ऐसे शोबे हैं जिनकी बदौलत ज़िंदगी का निज़ाम कायम है। पाकिस्तान भी दुनिया के इन ममालिक में से एक है जो ज़रूरी और सनती एतबार से तरक्की की राह पर गामजन है। हमारा मुल्क एक ज़रूरी मुल्क है जो अपनी मुख्तलिफ फसलों, फलों और सब्जियों के हवाले से दुनिया के अहम ज़रूरी ममालिक में शुमार होता है। पुराने ज़माने में दूसरे मुल्कों की तरह हमारे यहाँ भी ज़रात पे पुराने तरीके इस्तेमाल होते थे। इस तरह वक्त और मेहनत भी ज़्यादा होती थी, फसलों का मैार और मकदार भी तसली बख्श नहीं था। ज़माने के बदलते हुए हालात और साथ की तरक्की ने ज़रात के मैदान में इनकलाब बरपा कर दिया। नए नए आलात, जदीद तरीके, बीज, खादों और जरासीम कुछ अद्वियात ने की वजह से ज़रात के शोबे ने एक नया रुख अख्तियार कर लिया है। एक नया रुख अख्तियार, मसलन इब्तदा में किसान सिर्फ बारिश के पानी पर इंसार करते थे, लेकिन आज नहरों, ट्यूबवेल और कारेज की वजह से पानी का मसला भी हल हो गया है। उस्ताद साहब ने बच्चों को ये बातें बताई तो उन्होंने इशरार किया कि हमें किसी ज़रिए फार्म की सैर कराई जाए ताकि हम इन मशीनों को अमली तौर पर काम करता हुआ देख सकें। बच्चों को ज़रिए फार्म की सैर कराई गई तो इनके इल्म में इजाफा हुआ। उन्होंने वहाँ शुगर मिल भी देखी, वो ये देखकर बहुत खुश हुए। अब देखिए, आपको लेसन बहुत बड़ी तरह था, उसमें सब्जियों के बारे में जिक्र किया गया, चीनी के प्लांट के बारे में जिक्र किया गया, शुगर मिल के बारे में जिक्र किया गया, क्लास को बताया गया। लेकिन जब इसका खुलासा आपको दिखाया गया तो खुलासा करते टाइम आपको सिर्फ उन्होंने मेन पॉइंट बताए हैं कि मेन पॉइंट खुलासे के क्या हैं, कहाँ से खुलासा शुरू होता है और कहाँ पर खुलासा ख़त्म होता है। ठीक है, इसी को खुलासा कहते हैं। जब आपको एक लेसन पढ़ा दिया जाता है तो आप में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप वहाँ से उसके मेन पॉइंट निकाल लें, उसी को हम उसका सबक का खुलासा कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपको एक लेसन दिया गया, उस लेसन में से आपने क्या करना है, पहले तो आपने उसका रेफरेंस देना है कि उसका हवाला देना है, उसको अहमियत उसकी बतानी है कि वो है क्या। जब आपने उसका बता दिया है तो आप उसको आपने वहाँ से शुरू करना है कि उसके अंदर क्या क्या जिक्र किया गया है। अच्छा जी, देखेंगे बेटा जी, ये देखेंगे नज़म मेहनत। मेहनत के शेर नंबर 1, 2, 3, शेर नंबर 1, 2, 3, हमने इसकी तशरीह करनी है। ये आपका घर का काम है, ये तशरीह आपने देखनी भी है और आपने लिखनी भी है। ठीक है, तशरीह हम देख लेते हैं मेहनत की। मेहनत में है जनाब, पहला शेर है शेर नंबर 1, मेहनत पथरीली प्यासी मिट्टी से फूल खिलाती है, खेत की हरियाली डाली बन जाती है, फल पाती है। अच्छा, फिर वही बात है, मैं आपको रोज़ बता रही हूँ कि जब भी आप शेर की तशरीह को शुरू करेंगे तो आपने इसी हवाले से शुरू करना है कि शायर कहता है। शायर पहले शेर में मेहनत की अज़मत को उजागर करते हुए एक मिसाल बयान करता है कि मेहनत की वजह से हम बंजर और पथरीली ज़मीन को काश के काबिल बना सकते हैं, ज़मीन की खुश्की ख़त्म करके इसमें फसल बो सकते हैं, इस फसल से खेत में हर तरफ फूल खिलते हैं, खेतों में पौधों से बालियाँ निकलती हैं, फिर ये डाली बन जाती हैं और फिर इन डालियों में फल
होते हैं, यानी यह सिर्फ मेहनत ही की वजह से मुमकिन होता है। शेर नंबर दो, मेहनत मैदानों का सोना चांदी है कोसारों पर, मेहनत ही से आज बशर का हाथ है चांद सितारों पर। अभी शेर में देखेंगे शायर क्या कहता है। इस शेर में शायर ने मेहनत के फवायद को इस तरह बयान किया है कि मेहनत ही की वजह से मैदानों को सोना जैसा बनाया जा सकता है, और मेहनत ही की वजह से पहाड़ों की चांदी है, क्योंकि पहाड़ों पर जमने वाली बर्फ़ हमारी ज़मीन को पानी देती है। सब मेहनत ही का फल है कि आज इंसान चांद और सितारों तक जा पहुंचा है। ठीक है बेटा जी, शेर नंबर तीन, मेहनत सहरा को बयाबां पाट के शहर बसाती है, बाहरी पत्थर चक चटाने काट के नहरें लाती है। शायर ये बताता है कि मेहनत ही की बदौलत सहरा पहाड़ और जंगल शहर बनते हैं। ये इंसान ही की मेहनत है कि इसने रेगिस्तान जैसे इलाकों को रोशनियों और रंगों जैसे शहर बना दिया। इसकी मेहनत ने भारी पत्थरों और सख्त चट्टानों को काट कर इसमें से पानी की नहरें निकाली, जिससे फसल सैराब होती हैं। बिल्कुल सही बात है बेटा जी, फसलें जब सैराब होती हैं, आपने नहीं देखा कि कैसा वो सीन होता है। अगर आप बलूचिस्तान कभी जाएँ तो आप देखें कि वहाँ पर पानी का नामो निशान नहीं है, लेकिन ये मेहनत ही है कि मेहनत ने वहाँ के इतने सख्त पहाड़ों को काट कर वहाँ से नहरें निकाली हैं। आपको पता होना चाहिए क्लास के, आपको मेहनत कितनी बड़ी एक नेमत है। ठीक है जी, इसके आपने लिख कर प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।